हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग टॉपिक है इंस्टीलेटिंग मेडिकेशन इनटू ईयर। ये प्रोसीजर छोटा सा है और इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये है कि जैसे मेडिकेशन इंस्टील करनी है किसी पेशेंट में तो ट्रे तैयार करो, और ये पूछ सकते हैं कि एक डमी दे देंगे पीडिया वाली और कहेंगे इसमें आपको मेडिकेशन इंस्टील करनी है पीडिया या मतलब छोटे चाइल्ड बच्चों में, तो आप कैसे इंस्टील करोगे मेडिकेशन, आपका जो मतलब इंस्टीलेशन करने का मेडिकेशन का वो जो वे है वो देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थिन कौन से मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है। ठीक है, जो कौन सेप की होती है और पतली होती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है कौन सेप की और पतली होती है। ठीक है, फिर आती है ऑडिएट्री कैनाल। ऑडिएट्री कैनाल ए सिलेंड्रिकल कैनाल कंप्राइज्ड ऑफ कार्टिलेज एंड बोन विच इज लाइन बाय ए थिन लेयर ऑफ स्किन दैट इज रिच इन सिरुमिनस एंड सीबेसिस ग्लैंड। ऑडिएट्री कैनाल होती है वो एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है और कार्टिलेज और बोन से, इसका मतलब स्ट्रक्चर होती है कार्टिलेज और बोन दोनों की स्ट्रक्चर होती है, और ये सिरुमिनस और सीबेसियस ग्लैंड दोनों ऑडिएट्री कैनाल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग लिक्विड मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ईयर ड्रॉप इनटू द ऑडिएट्री कैनाल। मेडिकेशन इनटू ईयर मतलब इसमें क्या कहते हैं, जो मेडिकेशन है उसको लिक्विड फॉर्म में हम ईयर में इंस्टील करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पर्पज़ क्या है। पर्पज़ इसमें है टू सोपन ईयर वैक्स फॉर रिमूविंग इट, जो ईयर वैक्स है उसको सोपन करने के लिए, मतलब उसको सोपनिंग करके उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, टू रिड्यूस द लोकलाइज इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल। जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रखा है ईयर कैनाल में उसको कम करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम कभी कभी देते हैं। ठीक है, टू रिलीव पेन को रिलीव करने के लिए, और टू फैसिलेट रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, जो फॉरेन बॉडी है उसको रिमूव करने के लिए भी हम कभी कभी ईयर में मेडिकेशन इंस्टील करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? रप्चर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो हम उसमें मेडिकेशन ईयर में इंस्टील नहीं करेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर? क्लीन ग्लोव्स, कॉटन टिप एप्लीकेटर, मेडिकेशन बोटल विथ ड्रॉपर, कॉटन बॉल, किडनी बेसिन, बॉबल विथ नॉर्मल सेलाइन। ये हमें आर्टिकल्स चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। फिर बात आती है प्रोसीजर की। बिफोर प्रोसीजर एसेस फॉर एलर्जी टू मेडिकेशंस, रेडनेस और एब्रेशंस इन पिना और मीटस, टाइप एंड अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, एबिलिटी टू कोऑपरेट ड्यूरिंग प्रोसीजर, स्पेसिफिक ड्रग एक्शन एंड साइड इफेक्ट ऑन पेशेंट्स, नॉलेज अबाउट मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड। हम प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट में किसी हम जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट कर रहे हैं उससे एलर्जी तो नहीं है, और पिन्ना या जो पिन्ना में या मीटस में रेडनेस या एब्रेशन फटा हुआ तो नहीं है, फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन तो नहीं हो रखी है, टाइप एंड अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज का हम पता करते हैं, मतलब कौन से टाइप का डिस्चार्ज है और कितना डिस्चार्ज है। ठीक है, बाद में कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट क्या पेशेंट डिस्कम्फर्ट कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, और एबिलिटी टू कोऑपरेट ड्यूरिंग प्रोसीजर, पेशेंट की एबिलिटी देखेंगे कि वो ड्यूरिंग प्रोसीजर कोऑपरेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ड्रग एक्शन एंड साइड इफेक्ट, जो ड्रग या मेडिकेशन के साइड इफेक्ट है वो हम पेशेंट को बताएंगे, और पेशेंट नॉलेज अबाउट मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड, और पेशेंट को बताएंगे इस मेडिकेशन को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं और उसका नॉलेज देखेंगे पेशेंट का। ठीक है, बाद में चेक द मेडिकेशन ऑर्डर फॉर नेम, डोज, टाइम, अमाउंट एंड ईयर टू बी ट्रीटेड। फिर बाद में हम मेडिकेशन का ऑर्डर देखेंगे, उसका नाम देखेंगे, डोज देखेंगे, उसका अमाउंट देखेंगे, उसको टाइम उस मतलब कौन से टाइम एडमिनिस्ट करनी है वो देखेंगे, और कौन से ईयर में इंस्टीलेशन करनी है वो भी हम
बिफोर प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। बाद में आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर द पर्पज ऑफ मेडिकेशन एंड पोजिशन टू एज्यूम ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंस्टीलेशन। पेशेंट्स का हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद में उस जो पर्पज़ है मेडिकेशन का उसको पेशेंट को बताएंगे, और पोजिशन टू एज्यूम ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंस्टीलेशन। हम पेशेंट को पोजिशन, कौन सी पोजिशन ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन सी पोजिशन देंगे और ड्यूरिंग आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजिशन देंगे वो हम पेशेंट को बताएंगे, ठीक है। बाद में ऑप्टेन असिस्टेंस इन केस ऑफ चिल्ड्रन और इन्फेंट टू इमोबिलाइज देम। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक असिस्टेंस भी साथ में रख सकते हैं जो कि चाइल्ड या इन्फेंट में हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तो पहली बात है उनको उनको इमोबिलाइज करने के लिए, दूसरी बात है एक्सीडेंटल इंजरी रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाद में असिस्ट द पेशेंट टू ए साइड लाइन पोजिशन विथ द ईयर बींग ट्रीटेड अपर मोस्ट। हम पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देंगे और जिस ईयर में हमको मेडिकेशन इंस्टॉल करनी है वो ईयर हम ऊपर रखेंगे। अब बात आती है ड्यूरिंग प्रोसीजर की। प्रोसीजर ड्यूरिंग प्रोसीजर वॉश एंड हैंड वॉश करेंगे, क्लीन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल यूजिंग कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर एंड यूज़ नॉर्मल सेलाइन इफ नेसेसरी। हम एक्सटर्नल ईयर कैनाल को वॉश करेंगे कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर से और नॉर्मल सेलाइन हम यूज में करेंगे, ठीक है, अगर ये ज़रूरत पड़े तो, ठीक। बाद में वार्म कंटेनर इन हैंड और बाय प्लेसिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम इन ए वार्म वाटर। जो कंटेनर है वार्म कंटेनर इन हैंड और बाय प्लेसिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम इन वार्म वाटर। हम हमारे हैंड है उनको थोड़ा सा वार्म करेंगे, ठीक है। फिल ईयर ड्रॉपर पार्शियली विथ मेडिकेशन, जो ईयर ड्रॉपर है उसको हम मेडिकेशन से फिल करेंगे आधा। और बाद में स्ट्रेट ऑडिएट्री कैनाल को स्ट्रेट करेंगे। ऑडिएट्री कैनाल अब स्ट्रेट करते कैसे वो देखते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट है और ये स्किल टेस्ट के लिए यूजफुल है, ठीक है। फॉर एन इन्फेंट एंड चाइल्ड लेस देन 3 इयर्स पुल पिन्ना डाउन एंड बैकवर्ड। पिन्ना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुल करेंगे जिन बच्चों की उम्र लेस देन 3 इयर्स है उसमें, ठीक है। और फॉर एन अडल्ट और चाइल्ड ओल्डर देन 3 इयर्स उसमें पिन्ना को अपवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन में देंगे जिसके कारण ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट सीधी हो सकती है, ठीक है। बाद में इंस्टिल करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स अलोंग साइड ऑफ ईयर कैनाल होल्डिंग द ड्रॉपर 1 सेंटीमीटर और आधा इंच अबोव द ईयर कैनाल। हम आई ड्रॉप वो जो ईयर ड्रॉपर है हम उसको आधा इंच ईयर से ऊपर होल्ड करेंगे और फिर हम इंस्टिल करेंगे, ठीक है। प्रेस जेंटली एंड फ्रीमली ए फ्यू टाइम्स ऑन अ ट्रेगस ऑफ द ईयर कैनाल। फिर बाद में हम ट्रेगस को जेंटली प्रेस करेंगे थोड़े समय के लिए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिमेन इन साइड लाइन पोजिशन फॉर अबाउट 5 मिनट। और बाद में पेशेंट को कहेंगे कि आपको 5 मिनट तक साइड लाइन पोजिशन में रहना है, ठीक है। बाद में इंसर्ट ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्लफ एंड लूजली एट द मीटर्स ऑफ द ऑडिटरी कैनाल फॉर 15-20 मिनट वास्ते। फिर उसको पेशेंट को जो कॉटन लिए उसको हम थोड़ा सा ईयर मीटर्स में ऑडिटरी कैनाल में 15-20 मिनट तक उसमें प्लेस कर देंगे कॉटन को, ठीक है, जिससे मेडिकेशन वापस बाहर नहीं आए और बाहर आए तो भी पेशेंट का जो कपड़े वपड़े वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसलिए बाद में एसेस फॉर द पेशेंट्स कंफर्ट एंड रेस्पॉन्स एंड चेक फॉर डिस्चार्ज ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर। बाद में हम पेशेंट का कंफर्ट देखेंगे, मेडिकेशन का रेस्पॉन्स देखेंगे और चेक फॉर डिस्चार्ज एंड ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर। बाद में जो भी ईयर से डिस्चार्ज हो रहा है या ड्रेनेज हो रहा है हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। रिप्लेस द मेडिकेशन एंड अदर आर्टिकल। बाद में जो हमने मेडिकेशन यूज में लिए जो बच गई उसको वापस रिप्लेस करेंगे और आर्टिकल को फिर से रिप्लेस करेंगे। हैंड वॉश और डॉक्यूमेंट द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नेम ऑफ मेडिकेशन, नंबर ऑफ ड्रॉप एडमिनिस्टर्ड एंड पेशेंट्स रेस्पॉन्स। बाद में वो प्रोसीजर है वो हम पेशेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मेडिकेशन कौन सी एडमिनिस्टर की, मेडिकेशन का नाम क्या था, नंबर ऑफ ड्रॉप कितने ड्रॉप्स हमने एडमिनिस्टर की और पेशेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा मेडिकेशन इंस्टिल करने के बाद, ठीक है। बाद में देखो जैसे ये एडल्ट पेशेंट है तो एडल्ट पेशेंट में अपवर्ड और बैकवर्ड पिन्ना नर्स और इसमें देखो डाउनवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, ये चिल्ड्रन में और ये एडल्ट में। ये ट्रे,
ठीक है। स्ट्रे में देखो, ये जो मेडिकेशन हमें इंस्टील करनी है, ये हमें जो मेडिकेशन इंस्टील करनी है, ये हमें मेडिकेशन जो इंस्टील करनी है, ये बोवल है, ठीक है। इसमें कॉटन टिप एप्लीकेटर है, ठीक है। ये किडनी ट्रे है, ठीक है। और ये जो मेडिकेशन है, ये जो ईयर इंस्टीलेटिंग ट्रे है, ये पूछ सकते हैं स्किल टेस्ट में। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।